कराची गुलशन मेमार अब्दुल्ला गबोल गोट में डकैती की वारदात। डकैती गुलशन मेमार के अकब में वाकई अब्दुल्ला गबोल गोट BS अवामी होलसेल की दुकान पर पेश आई। डकैतों ने डकैती की वारदात के दौरान मजम्मत करने वाले शहरी अमानुल्ला मसूद वलशाद उमर को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए करीबी निजी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर अमानुल्ला जख्मों की ताप ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। वाकये की इतला मिलते ही गुलशन मेमार की पुलिस वाकये वारदात पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। गुलशन मेमार थाने की हदूद में चोरी और डकैती की वारदात मामूल बन गई है। कारोबारी हजरात को सिक्योरिटी के खर्चात पैदा हो गए। ताजरों ने मीडिया को बताया कि मुतअद्दिद बार इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं कि डकैती की वारदात के बाद डकैत गोली मारकर फरार हो जाते हैं। रोज चोरी और डकैती की वारदात पेश होने की वजह से पुलिस पर भी सवालिया निशान है। वाज़े रहे कि गुलशन मेमार अब्दुल्ला गबोलगोट में डकैती के बाद कत्ल करने की दूसरी वारदात है। 6 माह कबल समीउल्ला महर को भी डकैती के बाद कत्ल कर दिया गया था। इलाके में शहरियों को जानी व माली खौफ व हरास पैदा हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अब्दुल्ला गबोलगोट की आवाम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर तहफ्फुज़ के लिए IG सिंध एडिशन